भी सेम माहौल चल रहा है, सेम। कोई ये बात समझ ही नहीं रहा है कि दो लोग जो अंदर गए हैं दोनों अपने कम्युनिटी से हैं। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोलता हूँ, अभिषेक जीते या एल्विस जीते मुझे उतनी ही खुशी होगी भाई, लेकिन जो ट्विटर पे जो टॉक्सिसिटी फैला के रखी है एंड जो हालत खराब करके रखी है, एंड मजे कौन लूट रहा है तुमको भी मालूम, जिसका जो डिवाइड एंड रूल वाला फैक्टर चल रहा था वो लोग सक्सेसफुल हो गए। मैं हाथ जोड़ता हूं सब ऑडियंस से, प्लीज आपस में लफड़ा करना बंद करो, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जितना प्यार अभिषेक से करता हूं उतना प्यार मैं एल्विस से भी करता हूं, दोनों मेरे छोटे भाई जैसे, और ये ट्रिगर से मेरी बात पहले भी हो चुकी है। तो ये चीज में इतना ये था ना कि अपन बात करें नहीं करें, एंड तुम लोग विश्वास करोगे, मैं ऑडियंस तुम लोग को एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ट्रिगर की एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, उसने हम सबको एक बार भी स्ट्रीम पे बुला के ये नहीं बोला है कि गाइस प्लीज बोल दो वोट फॉर अभिषेक। उसने सिर्फ इतना बोला है कि स्ट्रीम पे आओ हमारे साथ बैठो, हम पब्लिक के साथ मस्ती मजाक करेंगे। तो ऑडियंस ये बात समझो आप, बहुत बहुत बड़ा मोमेंट चल रहा है, ट्रॉफी घर ही आने वाली है, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। बस इससे ज्यादा मैं स्पीच नहीं दे सकता, बस होगा मेरा। क्या प्यारी बात बोल दी भाई आपने। और वो लोग अंदर लड़ भी नहीं रहे, अंदर वो दोनों हंसी खुशी मजे कर रहे हैं, बाहर लिख के देता हूँ, चल रहा है। मैं लिख के देता हूँ, एलवेश और अभिषेक बाहर आएंगे ना, ये क्या हो गया था। साले तू क्यों लड़ रहा है मेरे लिए, तो बताया था ऐसा हो जाएगा बात, दोनों का माहौल आके। मैं ठीक है बहुत, मैं सच्ची बता रहा हूँ, लास्ट एक महीना जो यूट्यूबर्स के लिए गया है ना, बहुत प्राउड की बात है। ट्रू, जो ट्विटर पे एंगेजमेंट आई है, जो इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट आई है, क्रेजी, जो पब्लिक पागल हुई है, और अपनी ऑडियंस तो गई है बिग बॉस देखने। भाई बिग बॉस की ऑडियंस भी जो यूट्यूब के वर्ल्ड से एकदम होते हैं ना, एकदम दूर थे, डिस्कनेक्टेड थे। यप। अभी इन दोनों की वजह से ज्यादा अपना भी कंटेंट चल रहा है। बिल्कुल, उस नई ऑडियंस। यप, अभी एक महीना और वीडियो नहीं डालनी पड़ेगी। हाँ भैया, तुम लोग मेरे में क्यों आ रहे हो, ये पर्सनल है। नहीं, धीरू आपका एक्चुअली बहुत बड़ा फैन है, वो मेरे को बार बार यही बोलता रहता है कि आशीष भाई से तेरी बातचीत है तो तू बोलता क्यों है, क्यों नहीं है कि भाई वीडियो तो डालो। अरे यार सही में अरे क्योंकि आप सच में मिस करते हैं आपकी वीडियो यार लोग। थैंक यू भाई लोग। देखो मैं बताता हूँ क्या, ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं कुछ 2 साल से एक चीज पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए ना मेरे को बहुत सारा बजट चाहिए, एंड वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे नहीं आएगी, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस उसके लिए मेहनत चल रही है। वो एक बार बन गई ना, तुम लोग सब आओगे देखोगे अपनी आंखों से, तुमको रियलाइज होगा हाँ इतना मेहनत लगी थी इस पे, इसीलिए आशीष घूमता। तो बस थोड़ा सा मैं जनता से बोलता हूँ वेट कर लो, बड़ा यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी। अभी अभी मौका मिला है मेरे को वापस यूट्यूब पे आके वीडियो बनाने का, मैं बना।